आपको बता दें कि किरण चौधरी और ज्योति चौधरी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। बीजेपी विधायक जगदीश नायर का बयान सामने आया है और किरण चौधरी को लेकर जगदीश नायर का ये बयान सामने आया है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां पर किरण चौधरी एक अच्छी कद्दावर नेता है, ये बयान सामने आया है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ से बीजेपी विधायक जगदीश नायर का बयान सामने आया, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। किरण चौधरी को लेकर जगदीश नायर का बयान सामने आया है और कहा है कि किरण चौधरी एक अच्छी कद्दावर नेता है। ये बयान बीजेपी नेता की ओर से दिया गया है, बीजेपी में आने से हमें फायदा मिलेगा, तो ये भी बयान सामने आया है। बीजेपी में आने से जाट वोट बैंक में बड़ा इजाफा होगा और कांग्रेस को ये बड़ा झटका माना जा रहा है। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर, बीजेपी विधायक जगदीश नायर का बड़ा बयान सामने आया है किरण चौधरी के कांग्रेस पार्टी से इस्तीफे देने से और बीजेपी में शामिल होने को लेकर ये बड़ा बयान जगदीश नायर का सामने आया है। बीजेपी विधायक का ये बयान पर किरण चौधरी को लेकर जगदीश नायर ने बयान दिया है और कहा है कि किरण चौधरी एक अच्छी कद्दावर नेता है और बीजेपी में आने से बीजेपी को फायदा मिलेगा। आदरणीय किरण चौधरी जी हैं, चौधरी बंसीलाल जी की पुत्र वधु हैं, चौधरी बंसीलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, एक अच्छा कदावर नेता हैं किरण चौधरी की, और किरण चौधरी जी के आने से जाट वोट बैंक में एक बहुत बड़ा इजाफा होगा। मैं उनका स्वागत करता हूं, अपने नेताओं का स्वागत करता हूं कि एक अच्छे चेहरे को आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया है। और दूसरा, किरण चौधरी एक अपने आप में बहुत काबिल नेता के रूप में उनकी छवि रही है, एक पढ़े लिखी काबिल नेता है और जिन्होंने विकास कार्य कराने के लिए भिवानी में पूरी ताकत झोंकी हुई थी और उन्होंने हरियाणा, पूरा हरियाणा इनको जानता है। अब उनका घुटन हो रहा था वो बताते हैं, उनके बयान से पता लग रहा था कि इनको कांग्रेस वाले दबा रहे हैं, जैसे उनकी बेटी के साथ टिकट नहीं देना उनकी बेटी को, उनका राइट बनता है। आखिर वो मुख्यमंत्री की पुत्र का दू है, उनका वर्चस्व है, उन्होंने स्टेट की राजनीति की है और उनका टिकट अचानक काट देना श्रुति चौधरी का, आज ऐसा लगता है कि कांग्रेस वाले इनको जानबूझकर इनकी राजनीति को पीछे करने के लिए योजना बना। हमारे जो